हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज का दिन शुरुआत होता है पता ही डैम के साथ। हम लोगों ने प्लान बनाया और निकल गए, और यहाँ पहुँचे तो देखे बच्चे बैठे हुए हैं, और इतनी तेज़ रफ्तार पानी की हम लोगों ने डर गए। पानी की रफ्तार देखते हुए आज का प्लान स्विमिंग का कैंसिल कर दिया गया। आप देख सकते हैं ये फोर्स कितना है, ये देखिए और वहाँ देखिए, पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा है। ये दो मेरे जीमर भाई आए थे नहाने, मगर प्लान कैंसिल कर दिए हैं पानी का रफ्तार देख के। और ये पानी आपको नेपाल चली जाती है, नेपाल के किसी रिवर से कनेक्ट है। ये एरिया बता देता हूँ कहाँ पे है। पताही से लेफ्ट एक गांव है, उसी में थोड़ा सा अंदर 1 किलोमीटर अंदर स्थित है। तो अगर आपको आना हो स्विमिंग करने तो आ सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी मज़ा आएगा। पानी का रफ्तार इसलिए तेज़ है क्योंकि वहाँ पे वो बंद कर दिया गया है। ये पानी आपको इधर से आ रहा है, सामने से बंद किया हुआ है, इसलिए पानी ये मुड़ के इधर आ रहा है। यहाँ पे रफ्तार बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ है पानी की धार, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन बच्चे ऑलरेडी स्विमिंग कर रहे थे, मगर पानी की फोर्स इतनी है कि ये लड़के डर रहे हैं वापस आने में। इतनी ज़्यादा तेज़ है, अगर और इतनी तेज़ है कि ये बच्चे भी डर रहे हैं आने में। एक रस्सी पकड़ के ये लोग पानी में खड़े हुए हैं, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा पानी में बह जाएंगे। पानी का रफ्तार देख लीजिए, बहुत तेज़ पानी है, मगर नहाने में बिल्कुल मज़ा आता है। ठंडी ठंडी पानी, ये पता ही डैम में नहाने का एक अलग ही मज़ा है। प्लान मैं 12 बजे फिर आऊँगा। फिर से 12 बजे आना है क्या? तो आज हम लोगों का प्लान कैंसिल हुआ पानी को देखते। और हम रास्ते में आ रहे थे तो भाई साहब ने आम तोड़ रहा था, तो उनसे हम दो आम लिए, पका हुआ आम लिए। और ये आमे भाई देखिए आम के लिए लपक रहे हैं, मगर इनको आम नहीं देना है। और ये बच्चे लोग नहा के आ रहे हैं, ये भी आम देख के रुक गए थे। तो हम लोग आम लिया और आगे बढ़ गए स्विमिंग पूल कनक विला के लिए। तो आइए ये देखिए, चारों तरफ हरियाली, आम के पौधे लगे हुए हैं। और ये आ गए हम लोग पताही हवाई अड्डा। ये देख सकते हैं ये मुजफ्फरपुर का वही पताही अड्डा है जो कि अभी तक निर्माण का काम स्टार्ट नहीं हुआ है, शायद कुछ दिनों में हो जाए मे भी। और हम लोग कनक विला स्विमिंग पूल जा रहे हैं, चलते हैं वहाँ। तो देख लीजिए हम लोग कनक विला स्विमिंग पूल में पहुँच गया है। वो आपको दिखाए थे देसी स्विमिंग पूल, और ये है फ्रेश वाटर स्विमिंग पूल। काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ, अब हम लोग स्विमिंग करेंगे। और ये स्विमिंग स्टार्ट है, देख सकते हैं काफ़ी मज़ा आता है स्विमिंग करने में। ये स्विमिंग पूल आपको मैं बता दूं, बेला इंडस्ट्रियल एरिया PNA मॉल के पीछे है। अगर आपको भी करना हो तो आप ज़रूर आएँ और वहाँ का एक्सपोजर लें। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यही ख़त्म करता हूँ। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।